Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? This is your science period and today we are going to study page number 22 till 24 of chapter digestion. But before starting it, first recite dua after me. Rabbi zidni ilma, O my Lord, increase my knowledge. Now students, open your books. Page number 22. This is page number 22. Looking after your teeth. जी बेटा, जैसे आपकी हेडिंग शो कर रही है, हमें अपने दांतों का, अपने टीथ का ख्याल रखना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए केयरफुली एंड प्रॉपरली. अगर हम उनका ख्याल रखेंगे और जो है प्रॉपरली लुक आफ्टर करेंगे उनको, तो वो लॉन्गली लास्ट करेंगे, लाइफ टाइम हमारे साथ रहेंगे. जब हम कोई चीज़ खाते हैं तो स्मॉल बिट्स ऑफ फूड, हमारे फूड के बहुत छोटे छोटे पीसेस, बहुत छोटे छोटे ज़र्रात हमारे दांतों में जाके उनके दरमियान फंस जाते हैं और ये क्लीन हो सकते हैं बाय यूजिंग अ टूथब्रश, टूथपेस्ट एंड वाटर. और हम इन्हें क्लीन कर सकते हैं टूथब्रश से, टूथपेस्ट और वाटर से. कुछ लोग ट्विग्स यूज़ करते हैं और टूथ पाउडर यूज़ करते हैं. आपको पता ही होगा, आपने देखा भी होगा कि टूथ पाउडर यूज़ करते हैं कुछ लोग, वाइट कलर का होता है उससे अपने टीथ क्लीन करते हैं, और कुछ लोग ट्विग्स यूज़ करते हैं. जितनी भी ट्री ट्विग्स होती हैं उन्हीं से बनता है हमारे पास एक वुडन ब्रश जिसे मिसवाक कहते हैं, आप लोगों ने देखा ही होगा. तो इससे भी दांतों को साफ़ करते हैं और वो बेस्ट है हमारे दांतों के लिए, और मिसवाक करना सुन्नत भी है तो हमें उससे सवाब भी मिलेगा अगर हम उससे अपने दांतों को साफ़ रखेंगे तो. कभी कभी ये होता है हमारे दांत जो है वो कवर हो जाते हैं एक थिन स्टिकी लेयर्स से जर्म्स की, उसे हम कहते हैं प्लैक. बहुत सारे लोगों के मुंह में जर्म्स होते हैं और उन जर्म्स को देखा नहीं जा सकता क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं. हमें अपने दांतों को केयरफुली और प्रॉपरली ब्रश करना चाहिए ताकि हम इस प्लैक से निजात पा सकें. ये देखिए, शुगर प्लैक के साथ मिलकर एक एसिड बनाती है और ये एसिड हमारे इनेमल में सुराख कर देता है. इनेमल हमारे टीथ की आउटर वाइट कवरिंग होती है. जब शुगर प्लैक के साथ मिलती है तो एक एसिड बनाती है जो हमारे इनेमल में होल कर देता है, सुराख कर देता है, और जर्म्स एंटर हो जाते हैं इन होल से अंदर और हमारा टीथ जो है वो डिके होना शुरू हो जाता है. टीथ डिकेइंग स्टार्ट हो जाती है और हमें दर्द होता है अपने दांत में. टीथ डिकेइंग को स्टॉप किया जा सकता है डेंटिस्ट के पास विजिट करके. डेंटिस्ट टीथ डिके को कैसे स्टॉप करता है, वो हमारे जो होल्स होते हैं ना उनको फिल कर देता है स्पेशल फिलिंग्स से. ये देखिए बेटा, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दी मैंने, टीथ डिके ड्यू टू ईटिंग शुगरी फूड्स. तो जब हम शुगरी फूड्स खाते हैं तो क्या होता है, टीथ डिके हो जाता है. कैसे होता है, जो शुगर हमारे मुँह में होती है ना, जब हम प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करेंगे, साफ नहीं करेंगे अपने दांत, तो जो शुगर के बिट्स होंगे हमारे दांतों में वो प्लैक के साथ मिलकर एक एसिड बना लेंगे जो हमारे इनामिल में होल कर देगा और इस तरीके से फिर टीथ डिके हो जाएंगे. ये देखिए, ये जो ब्लैक ब्लैक पार्ट हुआ है अंदर, ये सब क्या शो कर रहा है, ये सब शो कर रहा है टीथ डिके. नाउ कम टू पेज नंबर 23. बट बिफोर कमिंग, ये देखिए बेटा, डू यू नो, क्या आपको पता है कि कैट्स के 30 टीथ होते हैं और डॉग्स के 42 होते हैं. बट द लैंड एनिमल विद द मोस्ट टीथ इज द आर्माडिलो. पर आपको पता है कि जो लैंड पे एनिमल्स रहते हैं उनमें सबसे ज्यादा दांत आर्माडिलो के होते हैं. कितने टीथ होते हैं आर्माडिलो के? 104. ओ माई गॉड, सो क्लास, इट इज सो इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग, क्योंकि आर्माडिलो बहुत बड़ा एनिमल होता है तो उसके मुंह में 104 टीथ होते हैं. नाउ मूव टू पेज नंबर 23. दिस इज पेज नंबर 23. हाउ वी डाइजेस्ट फूड. यहाँ पर आपको एक डायग्राम दी हुई है. ये देखिए बेटा, हमारे भी अंदर ये सारे ऑर्गन्स हैं, ये सारे पार्ट्स हैं हमारे अंदर भी, और इसमें लेबलिंग भी हुई है कि फूड कहाँ कहाँ से पास होता हुआ, कहाँ कहाँ से पास होता हुआ, प्रोसेस होता हुआ हमारी बॉडी से पास आउट हो जाता है. सबसे पहले हमारा माउथ इनटेक करता है फूड को. हम फूड इनटेक करते हैं अपने माउथ से और हमारे माउथ में फूड की टियरिंग और च्यूइंग होती है टीथ.
की मदद से। हमारे मुंह में जो दांत हैं वो हेल्प करते हैं फूड की टियरिंग और च्यूइंग में, ताकि फूड स्मॉल स्मॉल पीसेस में ब्रेक हो जाए। फिर उसके बाद ये जो हार्ड फूड होता है एक पेस्ट बन जाता है और हमारी टंग इस पेस्ट को मिक्स कर देती है सलाइवा के साथ और फिर ये फूड सॉफ्ट हो जाता है। देखिए हमारे मुँह में सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं जो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं, और जब हमारा ये जो फूड पेस्ट सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है तो एक पेस्ट बन जाता है। उसके बाद ये थ्रॉट में चला जाता है और ये थ्रॉट जो है हमारा ये फूड के पेस्ट को पुश कर देता है फूड पाइप में। ये देखिए ये फूड पाइप है। ये जो फूड पाइप है यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन क्यों होती है? ताकि जो फूड पेस्ट थ्रॉट से फूड पाइप में आया है ये और नीचे पुश हो जाए। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से फूड नीचे पुश हो जाता है, स्टमक में आ जाता है। स्टमक एक बैग है मसल्स का, यहाँ पे फूड कुछ आवर्स तक स्टोर रहता है। हमारा स्टमक कुछ जूसेस और एसिड रिलीज करता है जिसकी वजह से हमारा फूड मजीद स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक हो जाता है, और जो एसिड होते हैं ना स्टमक में वो हमारे फूड में मौजूद जर्म्स और बैक्टीरियाज को किल कर देते हैं, हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को वो एसिड किल कर देता है। कौन सा एसिड होता है जो स्टमक में प्रोड्यूस होता है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वो क्या करता है? वो हमारे फूड में प्रोड्यूस होने वाले हार्मफुल जर्म्स और बैक्टीरिया को किल कर देता है और फिर हमारा फूड कहाँ चला जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फूड है वो एंटर हो जाता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में और डाइजेस्टिव जूसेस फूड पर एक्ट करके उसे और सॉफ्ट कर देते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स होती हैं वो थिन होती हैं, तो जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में इन वॉल्स में से पास हो जाता है, ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है, और ब्लड वेसल्स से पास होता हुआ फूड हमारे सेल्स तक चला जाता है ताकि एनर्जी प्रोवाइड करे सेल्स को। ये देखिए लार्ज इंटेस्टाइन। फिर लार्ज इंटेस्टाइन में बाकी फूड आ जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होती है। जो हमारे उस टाइम पे फूड में जितना भी वाटर कंटेंट होता है वो सब लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड और फाइबर और सॉलिड पार्ट होता है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है फीसिस की फॉर्म में थ्रू एनस। ये देखिए यहाँ से बाहर निकल जाता है हमारी बॉडी से फीसिस की फॉर्म में। सो बेटा ये थी ना कितनी इंटरेस्टिंग एक छोटी सी स्टोरी हमारे फूड की, को पहले माउथ में जाता है, फिर उसके बाद फूड पाइप में, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर फाइनली बॉडी से स्केप हो जाता है। तो ये एक हमारी जो है वो फूड डाइजेशन की एक छोटी सी स्टोरी थी। तो बेटा आपको पता है ना कि स्टार्च ऐसा फूड है जो हमारे माउथ में ही डाइजेस्ट हो जाता है, इसीलिए आपने पढ़ा था प्रीवियस क्लासेस में भी कि स्टार्च जो है वो एनर्जी गिविंग फूड है, फास्ट क्विक एनर्जी गिविंग फूड है। कभी बहुत ज़्यादा बॉडी ब्लड प्रेशर लो हो जाए और हम बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करने लगे तो हमें फ़ौरन ही स्टार्च की इनटेक करनी चाहिए, ऐसे फूड खाने चाहिए जिनमें स्टार्च बहुत ज़्यादा हो। तो क्या होगा, हमें फ़ौरन एनर्जी मिल जाएगी, हम बहुत बेटर फील करेंगे क्योंकि माउथ में ही डाइजेशन हो जाती है स्टार्च की, उसे सारे प्रोसेस तक जाने की ज़रूरत नहीं है कि फूड पाइप से स्टमक में जाएगा फिर इंटेस्टाइन में आएगा तो फिर उसकी डाइजेशन होगी, ऐसा नहीं है, बल्कि क्विक डाइजेशन हो जाएगी उसकी, माउथ में ही डाइजेशन हो जाएगी स्टार्च की, इसीलिए स्टार्च जो है वो एनर्जी गिविंग फूड्स हैं। नाउ कम टू दिस फैक्ट, डू यू नो बेटा जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं तो वो रियल में स्मॉल नहीं होती, अगर हम उसे स्ट्रेट करके मेजर करें तो वो 6 meters लॉन्ग होती है। तो है ना कितनी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग बात, अल्लाह ताला ने हमें इतना अच्छे से डिज़ाइन किया है कि इतनी बड़ी 6 meter लॉन्ग इंटेस्टाइन को हमारे अंदर फोल्ड कर करके रखा हुआ है। हम तो ऐसा कुछ भी क्रिएट नहीं कर सकते जो अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है, इट इज़ सो अमेजिंग। नाउ टर्न योर पेज, कम टू पेज नंबर 24, कॉन्सेप्ट चेक। अंडर ईच ऑफ द स्टेजेस ऑफ द डाइजेस्टिव प्रोसेस राइट व्हाट हैपेंस टू द फूड द लास्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जी बेटा आपको इस कॉन्सेप्ट चेक में इन सबको फिल करना है कि सब फूड स्टेजेस के बारे में आपको बताना है कि माउथ में क्या होता है, फूड पाइप में क्या होता है, स्टमक में क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, और आपको लास्ट वन गिवन है एनएस। जी बेटा माउथ में क्या होता है? जी बेटा क्या होता है माउथ में? टियरिंग एंड च्यूइंग ऑफ फूड अकर्स, फूड बिकम्स सॉफ्ट बाय द एक्शन ऑफ सलाइवा। जी माउथ में टियरिंग और च्यूइंग होती है ना फूड की बाय द हेल्प ऑफ आवर टीथ,
और फूड सॉफ्ट हो जाता है जब सिलाइवा एक्ट करता है हमारे फूड पेस्ट पे। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, फूड पाइप। क्या होता है बेटा फूड पाइप में? जी बेटा, क्या होता है फूड पाइप में? फूड इज पुश्ड डाउनवर्ड टू स्टमक बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ फूड पाइप। जी, फूड पुश हो जाता है स्टमक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से फूड पाइप की। नाउ कम टू द थर्ड स्टेज, स्टमक। जी बेटा, इस स्टेज में क्या होता है फूड के साथ? जी बेटा, स्टमक में क्या होता है? डाइजेस्टिव जूसेस एंड एसिड एक्ट ऑन फूड टू किल जर्म्स एंड टू सॉफ्टन फूड। जी, डाइजेस्टिव जूसेस और एसिड जो होता है स्टमक में, क्या करते हैं वो? एसिड किल कर देता है जर्म्स फूड में जो होते हैं हार्मफुल जर्म्स को, और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हेल्प करते हैं फूड की सॉफ्टनिंग में। वेरी गुड। नाउ कम टू द फोर्थ स्टेज, स्मॉल इंटेस्टाइन। जी बेटा, इसमें क्या होता है? जी बेटा, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में? द डाइजेस्टेड फूड पासिस थ्रू वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन टू ब्लड वेसल्स एंड फाइनली रीच सेल्स। जी बेटा, जो डाइजेस्टेड फूड होता है वो न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से पास हो जाता है, क्योंकि वो बहुत थिन होती हैं, और फिर उसके बाद वहाँ से वो ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाता है, और फिर फाइनली हमारे सेल्स तक पहुँच जाता है वो डाइजेस्टेड फूड इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ताकि एनर्जी दे सके सेल्स को और वो अपना वर्क परफॉर्म कर सकें ताकि इफेक्टिवली। कम टू नंबर फिफ्थ, लार्ज इंटेस्टाइन। जी बेटा, क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? कौन बताएगा? वेरी गुड। जी बेटा, क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन में? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस। जो भी हमारा फूड में वाटर कॉन्टेंट होता है वो सब एब्जॉर्ब हो जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और फिर उसके बाद क्या होता है लास्ट स्टेज एनस में, सॉलिड फूड जो हमारे पास वेस्ट होता है वो फीसेस की फॉर्म में एग्जिट कर देता है हमारी बॉडी को। सो दीज आर द सिक्स स्टेजेस ऑफ फूड इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, यू हैव टू रीड पेज नंबर 22 and 23। यू हैव टू रीड दीज टू पेजेस। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।